तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो दिन है बहुत ही खास और ऐतिहासिक दिवस है साथियों, क्योंकि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो भारतीय संविधान है उस संविधान को लिख कर पूरा हुआ था। और इस देश के अंदर में जो लोग जंगलों में रहने वाले लोग थे, गांव के बाहर रहने वाले लोग थे, जिन लोगों को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, जो जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे थे, जानवरों तक के उनको हक अधिकार और तमाम लोगों को उनका मान सम्मान देने का काम आज ही के दिन हुआ। और आज का दिन 26 नवंबर बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज के दिवस पर बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली है। ब्लॉग तक आखिरी तक के बने रहिएगा साथियों, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, आज के दिन काफ़ी सारे प्रोग्राम हमारे गोंदा जिले में हैं। और आज के दिन जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को अटेंड करना है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से काफ़ी सारे प्रोग्राम आज के दिन ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो वह सभी को आपको लेकर चलता हो और तमाम तरीके की जो एक्टिविटीज़ होने वाली है आप सभी को दिखाता हो। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने जिले के प्रशासन की इमारत के पास में पहुँच चुका हूँ। और इसी के अपोजिट में मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर बाबा साहब का पुतला है। और पूरे जिले से लोग यहाँ पर आकर बाबा साहब को 26 नवंबर हो या फिर 14 अप्रैल हो, ऐसे जो दिन है यहाँ पर आकर बाबा साहब को नमन करते, उनको धन्यवाद अदा करते हैं कि बाबा साहब अगर आप ना होते तो आज हम जो संविधान के माध्यम से जो ज़िंदगी जी पा रहे हैं ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जी पाते। हम जैसी ज़िंदगी गुजर बसर आज कर पा रहे, जो इंसान की ज़िंदगी वैसी ज़िंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और कुछ ही देर में हम लोग बाबा साहब के मूर्ति के पास में जाकर उन्हें वंदन करेंगे। और एक आज खास बात है कि हमारे महाराष्ट्र के जो प्रदेश सचिव है उनका भी आज जन्मदिन है, दिनेश सिंह गेडाम सर, तो भी अब थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद में उन्हें भी आज के दिन में हम शुभकामनाएं देंगे। और इसी तरीके से हमको मार्गदर्शन कर हम इस अपने जिले को बहुजन समाज पार्टी के काम को हम निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प भी आज के दिन लेने वाले। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बाबा साहब के मूर्ति के पास में भी ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर वंदन करने के लिए भी सभी लोग हाथ चढ़ाने के लिए। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अपना बहुजनों धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, अपना बहुजनों धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, मैदान में बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, संघर्ष करो हम आपके साथ है, संघर्ष करो हम आपके साथ है। तो साथियों, यहाँ पर हमने बाबा साहब को अभिवंदन कर चुके हैं और इसके बाद में अभी हम और एक जगह पर चल रहे हैं। तो साथियों, हम गोंदिया जिले के ही हम एक पासी के कुड़वा ग्राम में पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बाबा साहब के मूर्ति पर चढ़कर माल्यार्पण यहाँ पर होने वाला।
तो साथियों आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा साहब की मूर्ति, और यहाँ पर बाबा साहब को हम माल्यार्पण कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन सभी ने एक संकल्प लिया कि बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय संविधान है और इसको पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए तन मन धन और संकल्प लेकर इस काम को, इस कार्य को मंजिल तक हम जरूर पहुँचाए। आज के 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे पास में है बहुजन कैलेंडर, और इसमें से आज के दिवस पर क्या चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के महान संविधान को भारत 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1950 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें 25 भाग 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है, और मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स और 9 शेड्यूल है। और सी यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है कि संविधान में के संविधान मसौदा समिति में 7 लोग थे, जिसमें से एक ने समिति का त्याग पत्र दे दिया था, एक की मृत्यु हो गई थी, एक अमेरिका चले गए थे, और अन्य सदस्य प्रांतीय मामलों में व्यस्त थे, 2 सदस्य दिल्ली से बाहर ही रहे और स्वास्थ्य के कारण कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए, और इस तरह संविधान तैयार करने का पूरा भार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आ गया। और प्रारूप समिति की कई सभाओं में केवल बाबा साहब ही गए, और साथ ही संविधान के निर्माण के रूप में मुख्य कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। ये जानकारी इस बहुजन कैलेंडर में है आज के उपलक्ष्य पर, और काफी सारी जानकारी आपको ब्लॉग में देने वालों आखिर तक के जरूर बने रहिएगा। तो साथियों मैं घर पहुंच चुका हूं, और भारतीय संविधान के माध्यम से पहली कलम भारतीय संविधान की कहती है कि इंडिया दैट इज भारत, और काफी सारी जानकारी दे। तो साथियों अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान लिखने के पहले बाबा साहब को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, बहुत सारा त्याग करना पड़ा, बहुत सारे विरोधियों का विरोध झेलना पड़ा। इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि बाबा साहब इस भारत देश का संविधान लिखे, और इसीलिए बाबा साहब को उन्होंने हराने का काम किया। लेकिन धन्य है वो चांडाल समाज के लोग जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन लोगों ने बाबा साहब को मौका दिया और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का काम किया। कांग्रेस का ये कहना था कि बाबा साहब के लिए हम दरवाजे खिड़कियां तो क्या रोशनदान तक बंद कर देंगे, और वो रोशनदान से जो एंट्री मिली वो पश्चिम बंगाल से जयसर खुलना से बाबा साहब को मिली, और जिसके कारण बाबा साहब संविधान लिख पाए। तो साथियों 1949 में भारतीय संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें सौंपा गया था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और लेकिन इसको 1950 में लागू किया गया। लेकिन लागू करने के बावजूद ये कितना इम्प्लीमेंट में आया है ये कहने की एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके अंदर में हम देखें इसका अगर समीक्षा करें तो हमको इम्प्लीमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। पिछले 60 सालों से कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया, और वर्तमान की बीजेपी ये कह रही है कि हम भारतीय संविधान को बदलने के लिए इस देश के अंदर में सत्ता में आए। माननीय कांशीराम साहब कहते हैं कि जो 200 सालों से जो तकरीबन जो संघर्ष चलते आया है, उस संघर्ष का परिणाम ही भारतीय संविधान है। जो पहला फर्स्ट इंडिया एक्ट जो बना था 1919 में, जिसके लिए 75 सालों तक कठिन जो संघर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, छत्रपति शाहू महाराज ने किया, जिसकी बदौलत ही भारतीय संविधान को 1949 के अंदर में बाबा साहब पूर्ण तरीके से उसको लिख पाए। तो साथियों बाबा साहब ने हमें भारतीय संविधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज दी है, जिसके अंदर में जो तलवार से भी बहुत ही ताकतवर है, वो है वोट का अधिकार। फॉरेन कंट्री के अंदर में हम देखते हैं कि महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए काफी सारी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन भारतीय संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को बहुत ही आसानी से इस वोट का अधिकार को दिया है, बहुजन समाज को वोट का अधिकार दिया है। जो गांव के बाहर रहने वाले लोग थे, जंगलों झाड़ियों में रहने वाले लोग थे, उनको मान सम्मान की जिंदगी और उनको समान वोट का अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया, और जिसके बदौलत बाबा साहब ने ये कहा कि जाओ बहुजनों और अपने सत्ता की कुर्सी
को अपने हाथों में ले लो और सत्ता की चाबी को, मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेकर देश के बहुजन समाज को शासक बनने का काम किया। जो मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर में बहुजन समाज पर जो राज कर रहे हैं, उन तमाम तरीकों को दरकिनार कर देश के अंदर में बहुजन समाज का शासन हो, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। और इसी के ऊपर में बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन के साथ में काम कर रही है और देश के अंदर में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन जो स्कूल के अंदर में जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर हमको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि अगर संविधान के बारे में अगर विद्यार्थियों को जानकारी अगर होती चलेगी तो वो ज्यादा एजुकेटेड, जैसे अगर हायर एजुकेशन अगर में जाते हैं तो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट है वो सरकार को की गलत नीतियों को लेकर प्रश्न करते हैं और प्रदेश के अंदर में उनकी बातों को माना जाता है। अगर स्कॉलर अगर विद्यार्थी प्रश्न करता है सरकार से तो पूरा देश इस बात पर तैयार हो जाता है कि कहने के बाद बिल्कुल सही है, प्रश्न बिल्कुल सही उठाए जा रहे हैं। इसीलिए संविधान के लेकर जागृति को बढ़ाया नहीं जाता, जिसके कारण समाज के अंदर में और विद्यार्थियों के अंदर में एक क्रांतिक ज्वाला का निर्माण हो। तो साथियों, मैं इस व्लॉग में यही कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान में ही है और जो बाबा साहब ने लिखा, और इसी संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा और उस शक्ति को मजबूत करते चलना पड़ेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक कि हमारे भारतीय संविधान को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको जागृति के रूप में इस देश के अंदर में जो विद्यार्थी है, जो एजुकेटेड लोग है, इन एजुकेटेड लोगों का ही काम है कि इस मूवमेंट को हम सफल बनाए। साथियों, आज के व्लॉग में आपको काफी सारी मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग में अगर कोई भी चीज आपको पसंद आती है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।